अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। मज़लूम आवाम के साथ। सैलानी हमारा गए, सैलानी हमारा गए। CEO इमरान अजीज राजा की आरिफ लखानी साहब से खास मुलाकात। हमारा गए सैलानी हमारा। HD न्यूज कराची। कराची में गरीब बेसहारा लोगों के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का बेहतरीन किरदार। इस रमजान उल मुबारक में सहरी अफ्तारी का एहतमाम, राशन तकसीमी का सिलसिला जारी। कराची में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमजान उल मुबारक में फ्रेश खाना, फ्रूट मशरूबात से सहरी और अफ्तारी का आवाम के लिए दस्तरखान का एहतमाम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी बेसहाराओं को सहारा दिया। हर मजबूर जरूरतमंद सफेद पोश अफराद की मदद के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने हर दौर में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। गरीब मजबूर बेसहाराओं को जी जान से खिदमत करने और मौलाना बशीर फारूकी साहब के बताए हुए काम को ईमानदारी और तकवे की बुनियाद पर अदा करने वाले जनाब ट्रस्टी आरिफ लखानी साहब का हमेशा से बेहतरीन किरदार रहा। इस रमजान उल मुबारक के मौके पर भी आरिफ लखानी साहब आवाम के लिए अपनी भरपूर खिदमात में सबसे आगे नजर आए। हमारे चैनल के CEO इमरान अजीज राजा साहब ने नुमाइश औरंगी ब्रांच सैलानी वेलफेयर का विजिट किया और आरिफ लखानी साहब से मुलाकात की। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश चुरंगी पर, जहाँ पर सैलानी का एक बेहतरीन इदारा है, जहाँ लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर तमाम सारे काम पहले से कर रखे थे और अभी भी माशाल्लाह राशन का सिलसिला तकसीमी का जारी है। यहाँ पर आरिफ लखानी साहब हैं जो कि इंसानियत की खिदमत बड़ी जी जान से करते हैं और आपको अभी हम मिलवाएंगे आरिफ लखानी साहब से। मेरी वेबसाइट पर आपको नज़र आ रहा होगा ये नुमाइश चुरंगी पर ये सैलानी वालों का बेहतरीन ये इदारा, जहाँ पर आपको यहाँ पर आवाम भी नज़र आ रही है और राशन का तकसीमी का सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं। और हम आपकी बात करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं आरिफ लखानी साहब से। जी ना जी, अस्सलाम वालेकुम आरिफ लखानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। यहाँ के हालात के बारे में बताएंगे, जो इस वक्त लोगों के हालात हैं, किस तरह लोगों की तादाद आपके दरवाजे पर सैलानी के गेट पर एक इमदाद के मुंतजर हैं, जो लोग वो लाइन में खड़े हुए हैं और उन्हें राशन मिल रहा है, उसके हवाले से बताएंगे। देखिए, सैलानी वेलफेयर इस वक्त 1,00,000 राशन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों के घरों तक डोर टू डोर कार्ड पहुँचाएँ। कार्ड पहुँचाने का मतलब ये है कि उन्हें आसानी से हमारे यहाँ पर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है और वो राशन कार्ड लेकर हमारे पास पहुँचते हैं, फिर इन्हें ये राशन दिया जाता है। इस तरह हमारे कुछ 8-10 सेंटर बने हुए हैं और उस सेंटरों के ऊपर एरिया के नाम लिखे हुए कि आपने अलियाबाद जाना है या आपने NJV के सेंटर पर जाना है या आपने महमूदाबाद के सेंटर पर जाना है, वहाँ से उनको ये राशन फराहम किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन ये 1,00,000 राशन को हमने 25 दिनों में लोगों तक देना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 15वां दिन है माशाल्लाह, जो राशन का सिलसिला जारी और सारी। कितने मकामात पर ये तमाम काम हो रहे हैं? ये तकरीबन 8 मकामात पर ये काम हो रहा है। यहाँ पर खास काम, 2 काम यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो जिन्हें कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो लोग आ रहे हैं, दूसरे जो 12,000 खानदान इस वक्त जो हमसे राशन ले रहे हैं वो यहाँ पर जो जिनकी किफालतें चल रही है उनका भी राशन जा रहा है। इसके अलावा जो ये आप राशन देख रहे हैं, जो लोग कार्ड लेके आ रहे हैं आपके सामने ही, उन लोगों को ये राशन दिया जा रहा है जो लोग घरों में बैठे हुए थे, किसी के मुंतजर थे। जैसे शहर में हालात है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और रमज़ान शरीफ का महीना है, लॉकडाउन कोरोना की वजह से घर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की सूरत हाल ख़राब है, जिसकी वजह से सैलानी वेलफेयर ने कोरोना में 20,00,000 राशन लोगों के घरों तक पहुँचाए। कराची से खैबर तक अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ने कोरोना में भरपूर साथ दिया है। सियासत में तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर रियासत के साथ
हम बाजू है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करते हैं कि हम रियासत का बाजू बने रहें, रियासत का ताउन हमारे साथ बना रहे। सिंध हुकूमत का हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन रहा, इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ ताउन किया। उस ताउन की बुनियाद पर लोगों ने हमें जिस तरह मदद की है, मैं आपके तवसुत से ये भी कहना चाहूँगा कि हमें लोग हमारे साथ ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर एक ऐसा इदारा है जिसे आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अमानत के अमीन और लोगों की ज़कात, खैरात, फितरा, सदका, तमाम चीज़ें अपनी जमानत देते हैं इस बात की कि ये आपका एक एक रुपया अल्हम्दुलिल्लाह उन तक पहुँचाएंगे जो ज़रूरतमंद मुस्तहिक। हम अपने लिए यहाँ के लिए नहीं करना चाहते, हम अपनी आखिरत के लिए करना चाहते हैं। जो कुछ अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है, हम शुक्रगुजार हैं कि हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब हमारे चेयरमैन बानी हैं जो इस इदारे को लीड कर रहे हैं, जिनकी तालीम और तरबियत माहौल हमें ऐसा दिया गया है कि हज़रत उमर अब्दुल अज़ीज़ की किताबें पढ़वा दी है कि ये है, इसको देख कर जो भी काम करना है आपने करना है। नाम लेना है, दुनिया में कमाना है तो नाम के लिए काम किया तो फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हमने काम ही किया है तो आखिरत के लिए किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा गए सैलानी, हमारा गए। राशन के हवाले से किस तरह राशन दिया जाता है आप देख सकते हैं कि राशन क्वालिटी मेयार, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी। हमने कल यहाँ का एक विजिट किया, हमने इफ्तारी की माशाल्लाह से। आपका कल का शरबत और बड़ा प्योर था, इसमें क्या मतलब, ये कैसे आपने खुद बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पे देखिए आप अभी बन रहा है शरबत, किस क्वालिटी का है, क्या मेयार इस्तेमाल करते हैं, क्या क्वालिटी, इसमें बादाम, पिस्ते, अपना फालूदा हर दिल से बनाते हैं कि हम जो पिए दूसरों को भी पिलाएं। यानी जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, आपके बच्चे खाते पीते हैं, वही आप लोगों को खिला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस बात पर मैं हल्फिया कह सकता हूँ, जो हम अपनी औलाद को खिलाते हैं वो लोगों को खिलाते हैं। माशाल्लाह, तो आप हमें दिखाएंगे वो सारी चीज़ें? हाँ आइए जी नाज़रीन, आइए हम आपको, आरिफ लखानी साहब हमें विजिट करा रहे हैं माशाल्लाह से, देखें किस तरह ये राशन दे रहा है। ये राशन जिस तरह आपने खुद ने भी देखा कि किस तरह पैकिंग हो रहा है, किस तरह हमने लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह उन लोगों को देना चाह रहे हैं कि जो लेकर जाएं तो दिल खुश हो, माने, यकीन कर लें कि वाकई में सैलानी वेलफेयर। मैं आपको कुछ कपड़े वगैरह भी दिखाता हूँ। पिछले साल की तरह जो आपने ईद का एक पैकेज रखा था गरीब मुस्तहिक के लिए, वो भी इस साल ये आप देख लें, सामने आपको नज़र आ रहा होगा रमज़ान राशन पैकेज, जिसके अंदर बाकायदा 1,00,000 खानदानों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है। इसमें कपड़े वगैरह भी है, ये उन लोगों को कपड़े दिए जाते हैं जो ज़रूरतमंद, जिनकी बाकायदा रजिस्टर्ड है, जिनको तहकीकात की है कि उनके घर में कितने अफराद हैं। सैलानी वेलफेयर इस तरह महीने में 600 बच्चों की कमों पर शादियाँ करवाता है, इसी तरीके से बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाता है, छोटे मोटे चाहे रिक्शा की सूरत में दिए जाए, चाहे स्कूटर की सूरत में दिए जाए, पॉपकॉर्न की मशीनें, ठेले लगाने के लिए सिलाई मशीनें बेवाओं को। हमारे पास 63 शोबे हैं, 63 शोबे मसरूफ अमल है, कोई शोबा ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये आज काम नहीं हो रहा है, ऐसा कोई अमल नहीं है। छूट की बुनियाद पर कोई काम नहीं होता, सच की बुनियाद पर, शरीयत के असूलों पर सैलानी वेलफेयर काम करता है। माशाल्लाह ये अच्छा काम कर रहे हैं और गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं, अच्छा काम है माशाल्लाह, खिदमत खल कर रहे हैं। रोज़ के मामूल में ये इफ्तार का होता है? रोज़ के मामूल में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भाई को बुलाना, भाई अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रोज़ा है? रोज़ा है भाई। इफ्तार के लिए माशाल्लाह रोज़ाना आपकी इफ्तार यहीं हो रही है? नहीं नहीं, हम तो आज ड्यूटी पे हैं, रेस्ट करके आज इधर आ गए। अच्छा माशाल्लाह, नहीं ये खुशी की बात है अगर हमारी सिंध पुलिस के नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं और इस तरह से इफ्तार करेंगे तो हमें तो खुशी है कि सैलानी का एक ऐसा इदारा जो कि हमारे पाकिस्तान कराची में शहरियों की सहूलियात के लिए, गरीबों के लिए मौजूद है और हमारे अहलकारों के लिए भी मौजूद है, तो खुशी की बात है ना? खुशी की बात है भैया, लाहौर दैन को जनाब। हम नौमाना की सैलानी की जानिब से कुछ बताएंगे कि ये रोज़ का मामूल है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, रोज़ का मामूल है और बहुत अच्छी सहूलियत के साथ जो है ना लोगों को अफ्तारी, रोज़ अफ्तारी करवाते हैं, बहुत अच्छी सहूलत दी है। यहाँ के जो करते धरते हैं उनका क्या नाम है और उनका क्या मतलब कैसा किरदार है? किरदार तो बहुत अच्छा है, नाम का नहीं पता, बकाया आरिफ लखानी साहब हैं। हमने सुना है कि माशाल्लाह उनका बहुत अच्छी कारकर्दगी, बहुत अच्छी कारकर्दगी है, बहुत अच्छी लोगों को इंतजामिया दी हुई है, लोगों को अच्छी अफ्तारी करा, अच्छी शरबत, अच्छी हर चीज़ जो है ना सहूलियात। आपकी ड्यूटी यहीं होती है? जी जी रोज़ माशाल्लाह इफ्तार यहाँ होती है। माशाल्लाह जनाब, देखा नाज़रीन ये हमारे सिंध पुलिस के नौजवान हैं और माशाल्लाह इनका भी ये कहना है कि सैलानी जो है इस वक्त जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रोज़ के मामूल में ये यहाँ इफ्तार की जाती है और ये पहले दिन से पहले सहरी से हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा। आप भी यहाँ? हाँ ये बहुत अच्छा काम है और हम
बड़ा खुश हैं इस बात पे। माशाल्लाह इफ्तारियाँ होती है। हाँ इफ्तारी होती है और लोग इकट्ठे खाते हैं। बड़ा राशन का सिलसिला बिल्कुल सही जा रहा है, राशन का भी बिल्कुल सही है। जी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब। आरिफ साहब ये जो है अपना ये कमेला बनाया हुआ है, ये यहाँ पर बकरे ज़िबा होते हैं। जो 12,000 खानदान जिनकी किफालत हो रही है उन्हें बाकायदा राशन के साथ 2 किलो गोश्त दिया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह हर राशन की किफालत के साथ 2 किलो गोश्त दिया जाता है। बकरे का गोश्त? बकरे का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह ये कट रहे हैं आपके सामने, चल कट रहा है और कटता जाता है और लोगों को ये गोश्त मिलता जा रहा है। हम दुआ करते हैं, हमारी टीम दुआ करती है कि सैलानी को अल्लाह ताला और तरक्की दे। शरबत तैयार हो रहा है। अच्छा 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 दूध गर्म हो रहा है माशाल्लाह। ये शरबत प्योर दूध का शरबत जो है वो तैयार हो रहा है सैलानी में, देखा जा सकता है। नाजरीन हमारी कैमरे की आंख आपको दिखा रही है माशाल्लाह से। नाजरीन आरिफ भाई हमें बताएंगे कि यहाँ पर जो है ना रोटी बैंक भी है माशाल्लाह, जहाँ गरीबों को रोटी भी फराहम की जाती है। जी आरिफ भाई ये रोटी बैंक है, ये वो बैंक है जहाँ पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और यहाँ से खाना तकरीबन 1,000 लोग रजिस्टर्ड है जो 2 वक्त का खाना लेके जाते हैं रोज के मामूल पे। जी जी हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह 1,000 कार्ड रजिस्टर्ड है, आते हैं अपना कार्ड दिखाते हैं और उन्हें खाना मिल जाता है, पका पकाया खाना उनके पास। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से कि 5 बच्चे हैं तो उनको 5 अफराद का खाना, 7 बच्चे हैं तो 7 अफराद का, 10 बच्चे हैं तो 10 अफराद का उसे खाना दिया जाता है और वो पका पकाया खाना वह इज्जत तरीके से अपने घर ले जाते हैं। किसी चीज़ पर सैलानी नहीं लिखा हुआ कि कोई कहे कहाँ से लेके आ रहे हैं। सैलानी रोटी बैंक ज़रूर है कि रोटी बैंक से खाना हासिल किया जा सकता है और बहुत आसान तरीका है, अपने बच्चों के बेफार्म दीजिए और इसे रजिस्टर कराएँ आए लें। कराची में इस वक्त 5 मुकामात पर ये रोटी बैंक तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह 2021 तक हमारा प्रोग्राम है कि 12 हमने इसके मुकम्मल कर लिए। मैं KN24 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने अपनी आँख से सब कुछ देखा और लोगों को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये मैसेज जहाँ तक पहुँचा सकते हैं ये मीडिया के थ्रू अपने जिस तरीके से अपने चैनल के थ्रू पहुँचाएँगे तो उन गरीब गुरबाओं को फ़ायदा पहुँचेगा जो ज़रूरतमंद बेसहारा यतीम और वो लोग जो इस वक्त बड़े मुंतज़र हैं अपनी बच्चियों की शादी के हवाले से परेशान हैं। और आपके तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ताउन करना चाहें सैलानी वेलफेयर का ताउन करें, इंशाल्लाह आपका दिया हुआ माल उन लोगों तक इंशाल्लाह पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ लखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी नाजरीन मैं हूँ इमरान अजीज़ राजा KN24 HD न्यूज़, कैमरा मैन अमजद अली के साथ कराची। इस साल अपनी ज़कात फितरा और दीगर अतियात सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट को दीजिए। इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN24 HD न्यूज़ कराची।